2022-23 की प्रमुख घोषणाएं। सभी परीक्षाओं को वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस के बाद निःशुल्क करने की घोषणा। पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए SOG के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स का होगा गठन। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट होगी। आगामी वर्ष इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव का होगा आयोजन। जयपुर में 300 करोड़ की लागत से खुलेगा APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। महंगाई से राहत के लिए 19,000 करोड़ का राहत पैकेज। जिला मुख्यालयों पर बनेंगे विवेकानंद यूथ हॉस्टल। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मिलेगी आवासीय सुविधा। घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली मुफ्त। 1,04,00,000 से ज़्यादा परिवार लाभान्वित होंगे। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 250 करोड़ का फंड। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा। कोटा में माइनिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा। प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में क्लासरूम पुस्तकालय ICT लैब निर्माण के लिए 140 करोड़ रुपए। आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के 17,00,000 से अधिक बच्चों को निःशुल्क मिलेगी 2 सेट ड्रेस। आगामी वर्ष जल जीवन मिशन के तहत 47,50,000 घरों में दिए जाएंगे नल कनेक्शन। रोडवेज के बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1,000 नई बसें होंगी शामिल। सामाजिक सुरक्षा योजना में हर वर्ष प्रति वर्ष 15% पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी। पर्यावरण संरक्षण मिशन होगा शुरू। जम्बा रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की होगी स्थापना। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर दी जाएगी सरकारी नौकरी। ग्राम पंचायतों में एवं शहरों में वार्ड स्तर पर होगी महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं संविधान केंद्रों की स्थापना। पहले चरण में आगामी वर्ष 250 केंद्र स्थापित होंगे। 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान। प्रदेश के 13 जिलों जैसे कि अजमेर, अलवर, दौसा, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, झालावाड़, जयपुर तथा टोंक के लिए ERCP योजना जीवनदायिनी साबित होगी। हम अपने वित्तीय साधनों से ERCP परियोजना का काम निरंतर जारी रखेंगे। 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक खादी के उत्पादों पर 50% की छूट दी जाएगी। प्रदेश में 15 नशा मुक्ति केंद्र खोले जाने की घोषणा। RUHS के अधीन पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5,00,000 रुपये से बढ़ाकर 10,00,000 रुपये करने की घोषणा।
जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 10-10 करोड़ की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1-1 हज़ार और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी। 500 करोड़ रुपए होंगे व्यय। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा 1 से 12 तक की निःशुल्क शिक्षा की घोषणा। प्रतापगढ़, जालौर व राजसमंद में राज्य सरकार के खर्चे पर होगी मेडिकल कॉलेज की स्थापना। 1,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। सभी सरकारी स्कूलों के 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अगले वर्ष भी निःशुल्क यूनिफॉर्म दी जाएगी। NSA, NCC स्काउट एवं गाइड को रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। खेल प्रशिक्षक के 100 पद होंगे सृजित। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। राजस्थान टैलेंट सर्च परीक्षा के माध्यम से प्रदेश के 10,000 मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की घोषणा। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से संपूर्ण देश में लागू हो OPS, मुख्यमंत्री ने किया आग्रह। सभी EWS परिवारों को भी चिरंजीवी योजना का लाभ निःशुल्क मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम। आगामी वर्ष से महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी स्कीम होगी लागू। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए होंगे व्यय। गीग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा। 200 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा। गीग वर्कर वेलफेयर बोर्ड का भी होगा गठन। प्रदेश में 8,000 आंगनवाड़ी व 2,000 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र खुलेंगी। प्रदेश के 13 जिलों में वेद विद्यालय खोलने की घोषणा। जयपुर में नवीन एयर कार्गो की होगी स्थापना। प्रदेश के युवाओं के लिए राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होगा शुरू। 10,000 युवा देश के राज्यों में कर सकेंगे एक्सपोजर विजिट। इंदिरा रसोई योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में भी होगा विस्तार। संख्या बढ़ाकर 2,000 करने की घोषणा। प्रदेश के 300 विद्यालय होंगे क्रमोन्नत। रोडवेज बसों में महिलाओं को किराए में 50% की छूट। NTSE की तर्ज पर 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम स्कॉलरशिप होगी शुरू। प्रतिवर्ष 10,000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कॉलरशिप। जयपुर में राजीव गांधी एविएशन सेंटर का ऐलान। ₹75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव होंगे आयोजित। कालीबाई भील तथा देवी नारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 30,000 की।
बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाने का विकल्प भी होगा उपलब्ध। वैदिक संस्कृति को प्रोत्साहन के लिए शेष जिलों में भी खुलेंगे वेद विद्यालय। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के तहत विद्यार्थियों की संख्या 200 से बढ़ाकर 500 करने की घोषणा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रति परिवार बीमा राशि रुपये 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का ऐलान। ₹150 करोड़ की लागत से बृहद स्तर पर होगा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन। राजीव गांधी स्टडी फॉर एक्सीलेंस के तहत 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की। गहलोत का बजट ब्रह्मास्त्र। कर्मचारियों की गहलोत सरकार की बड़ी घोषणा। निगमों की कॉरपोरेशन आदि में OPS लागू। पदोन्नति के लिए सरकारी कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट। कर्मचारियों के लिए 8, 16, 24 पदोन्नति का नया स्लैब। संविदा कर्मियों को बड़ी राहत। संविदा कर्मी के रूप में पूर्व सेवा का मिलेगा लाभ। ठेका प्रथा पूरी तरह बंद करके रेक्सको की तर्ज पर बनेगा कॉरपोरेशन। इनके लिए भी सर्विस रूल्स बनेंगे। 2 लाख कर्मचारी होंगे लाभान्वित। नियमित वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। वर्क रिचार्ज कर्मियों के पदोन्नत के पद होंगे सृजित। नहीं होगा अब डाइंग कैडर भत्ते में 15% की वृद्धि। तो ये था राजस्थान का घोषणा बजट 2022-23। इसी के अनुसार अब सरकार चलेगी। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जान पहचान वालों में शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा।